नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपका चैनल स्टार जीके 23 में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि इंटरमीडिएट का आ चुका है, यानी आज से ये ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। देखिए, इसमें निर्देश दिया गया है कि जिन भी इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित, यानी इसमें विवाहित नहीं अविवाहित महिलाओं को इसमें होना अनिवार्य है। जिस शादी अगर आपका हो गया है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अविवाहित को 10,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। इसका नया लिंक लागू हो चुका है, जाने कैसे इसको आवेदन करना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा क्या क्या प्रोसेस इसमें लगेगा। प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन प्रसारित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज की ये आगे करने के लिए आपको 10,000 रुपया दिए जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए, पत्रकार लाभकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते के अंतर्गत अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल को निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार परीक्षा समिति इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2020 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं को जिलावार या संस्थावार विवरण अपलोड कर दिया है। तथा लोक में सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि एनआईएस द्वारा विकसित विकल्प पोर्टल इतना ई कल्याण .bic.nic पर इसका देने का लिंक आपको हम वहां से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले अपना खाता नंबर देना है, अकाउंट नंबर, बैंक का खाता, IFC कोड, ये सभी आपको अपलोड करना है। देखिए, बिहार समिति द्वारा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड आपको इतना करना है। साथ में देखिए, NIC द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को लॉगिन करने के लिए छात्र लाभकों के पास संबंधित परीक्षा की पंजीकरण के साथ साथ जन्मतिथि या इंटरमीडिएट में हासिल कुल प्राप्त अवश्य पड़ेगी। ध्यान दें कि बैंक खाता पात्र छाया को अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता रजिस्ट्रीकृत बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त निजी बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के बिहार के अस्थायी किसी शाखा से संचालित होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको बता देते हैं कि दोस्तों, आपको ये आप कहीं नाम से अगर चालू अगर खाता रहेगा तो होगा, नहीं तो आपको नहीं होगा। देखिए, ये आप अपने घर से देखिए सार्वजनिक करते हुए निजी अथवा घरेलू मोबाइल लैपटॉप माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कहते हैं कैसे आपको आपको नाम को चेक करना है, एक बार नाम है या नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले आप दे देंगे, इसको देखिए, यह लिंक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल, आपको यहाँ से आसानी से आपको दिखा देगा। देखिए, थोड़ा सा लिंक स्लो चल रहा है, इसके कारण ये अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा। देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, खुला इसका धीरे धीरे शुरू हो चुका है। देखिए, एप्लीकेशन लिस्ट आपको यहाँ से दिखाना आपको शुरू कर दिया है। देखिए, ये आपको बिना रुके स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों अभी जो चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ये इसको फार्म को किस तरह से भरना है सभी अच्छी तरह सबको हम बता सकें। हम देखिए, यहाँ पर आपको जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ से आप आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके मार देंगे। देखिए, हम वहाँ पर रोहतास हैं तो रोहतास मार्ग सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विलम्ब देखिए, सर्चिंग ले रहा है इसीलिए यहाँ पर नहीं दे रहे कॉलेज का नेम। देखिए, सर्चिंग खत्म होने के बाद ये आपको देगा कॉलेज के नेम। आइए, आपको कॉलेज का नाम हम दिखाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, विलम्ब हो रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में तो समझ आपको नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जो भी आपका स्कूल होगा वह स्कूल को आसानी से आप मार सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारा स्कूल ये है गवर्नमेंट स्कूल बिक्रम, ठीक है। इसको हम व्यू पर आप क्लिक करिए, देखना है तो आपको इसका दे देंगे लिंक, हम तीनों का लिंक दे देंगे। आप तीनों का यहाँ पर दिया गया है, अप्लाई, ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टेटस, वेरीफाई या डाउनलोड नोटिफिकेशन, तीनों आपको दे देंगे हम, जिसका ऑफिशियल लिंक भी दे देंगे चारों, ठीक है। दोस्तों, आप टेंशन ना लें। थोड़ा स्लो चल रहा है, आज से ये शुरू हुआ जिसके कारण ये बहुत ही स्लो चल। देखिए, यहाँ से आपको दिखा देता है टोटल कैपिटल नाम, जो भी आपको जो भी आपका होगा। देखिए, यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन कंडीशन जैसा अभी तक आप सबमिट नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति अभी तक आपको सबमिट नहीं किया, क्योंकि ये आज से ही शुरू हो चुका है। इसीलिए देखिए, बैंक स्टेटस बैंक में भी नहीं हुआ है, पेमेंट रिजेक्टेड सेशन है, पेमेंट रिजेक्ट भी नहीं, अभी तक आप नहीं किए, ठीक है। देखिए, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसका दे देंगे लिंक हम आपको, ठीक है। इसके बाद आइए इसको हम लॉग आउट करते हैं, ठीक है।
ये सबसे पहले यहाँ पर आइए स्टेटस देखने के लिए, अगर आपका नाम है कि नहीं सीधे आप वहां से देख सकते हैं आसानी से, आप बिना देरी किए आप वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको मान लीजिए कॉलेज का नाम ढूंढने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप बहुत ही कम समय में ही आप आसानी से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ से आप आसानी से देखिए, यहाँ पर देखिए हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर डालिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और सर्च पर क्लिक कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए सब देरी कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देर तो कर रहा है क्योंकि ये साइड बहुत स्लो है। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल दिखा दिया, देखिए प्रोकाजुसी कांति देवी फिनिशिंग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, देखिए प्रोसेस नेम वेरिफिकेशन बिन प्रोसेस है, नो प्रोसेसिंग योर पेमेंट, सभी अवेलेबल अपलोड हो नहीं हुआ, कुछ भी इसीलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसका भी दे देंगे लिंक हम आपको, यहाँ से ऑनलाइन करना होगा तो आप यहाँ से हमें इसका हम देखिए दिखा देंगे नोटिफिकेशन, देखिए दोनों सर्च हो रहा है नोटिफिकेशन देखते हैं खाते हैं, देखिए ये आपका हो गया नोटिफिकेशन, इसका भी देखिए इसका भी देंगे लिंक आपको नोटिफिकेशन का भी, देखिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन में जो भी था आप डालिएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या जितना भी नंबर था आप डाल के यहाँ पर सर्च मारिएगा, तब कहीं मोबाइल नंबर आएगा, डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये हमारा फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग हो गया है, हम इसका फॉर्म कल भरेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो भी कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।